बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर धेनु का निबंध याद नहीं होता, धेनु का निबंध याद नहीं होता। तो वादा है आपसे, आधा मैं कर दूंगा आधा आप स्वयं करेंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसी वीडियो में आप धेनु का निबंध याद करके जाओगे, ये मेरा वादा है। पर उससे पहले मन में ठान लेना कि आज धेनु का निबंध मुझे याद करना है। तो आइए जाता है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो हम सभी जानते हैं धेनु अस्माकं माता अस्ति, क्या अर्थ हुआ, धेनु हमारी माता है। तो इसके लिए हम याद करेंगे धेनु अस्माकं यानी कि हमारी माता, अस्ति माने है, तो धेनु हमारी माता है। अब माता है तो आगे चलते हैं, ताम गो माता इति कथ्यन्ति, उन्हें हम गाय माता या गो माता ऐसा कहते हैं, ठीक है, उन्हें हम गो माता कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा जनाः धेनुं पूजयन्ति, लोग गाय की पूजा करते हैं। फिर इसके पश्चात चौथा धेनु त्राणि भक्ष्यति, गाय भूसा चारा खाती है, त्राणि माने जो तिनके होते, भक्ष्यति माने खाना। तो लोग गाय की पूजा करते हैं, गाय चारा खाती है। अब चारा खाती है तो क्या करेगी, दूध देती है, तो हम लिखेंगे धेनु दुग्धं ददाति। अच्छा धेनु दूध देती है, तो अगला जो पॉइंट बनेगा धेनु लाभप्रदा पशु अस्ति, इसका मतलब धेनु बहुत ही लाभदायक पशु है। अब लाभदायक पशु है तो क्यों है, आइए वो कारण हम बता देते हैं। तस्यः दुग्धं लाभप्रदं भवति, उसका दूध बहुत लाभप्रद होता है। आइए और इसके जो लाभ हैं, हमने बोला है कि धेनु लाभप्रद पशु अस्ति, तो क्यों है, क्योंकि एक कारण ये हो गया और दूसरा कारण ये हो जाएगा, गौमूत्रेण दोषाणाम रोगाणाम च नाश भवति, गाय के मूत्र से सभी दोष रोग नष्ट हो जाते हैं। चलो ये हो गई गाय के बारे में मुख्य मुख्य बातें। अब थोड़ा सा गाय की हम विशेषता बता देते हैं कि हमारे देश में गाय के लिए क्या महत्व है। तो भारतीय संस्कृतौ धेनु नाम महत्वम अधिकतम अस्ति, भारतीय संस्कृतौ धेनु नाम महत्वम अधिकतम अस्ति। फिर इसके पश्चात लास्ट का जो दसवां पॉइंट हो जाएगा, वयम यानी कि हम धेनुम मातरूपेण पूजयामः, गाय को हम माँ के समान पूजते हैं। वयम धेनुम मातरूपेण पूजयामः, वयम धेनुम मातरूपेण पूजयामः। तो देखिए कितना आसान तरीका था, सबसे पहले हमने कहा धेनु अस्माकं माता अस्ति, ताम गोमाता इति कथ्यन्ति, जनाः धेनु पूजयन्ति, मेरे साथ दोहराना है, धेनु त्राणि भक्षन्ति, धेनु दुग्धं ददाति, धेनु लाभप्रदः पशु अस्ति, तस्य दुग्धं लाभप्रदं भवति, गोमूत्रेण दोषाणां रोगाणां च नाश भवति। फिर इसके पश्चात भारतीय संस्कृतौ धेनूनां महत्वम् अधिकतम अस्ति। फिर लास्ट का क्या हो जाएगा, लास्ट का हो जाएगा वयम धेनुम मातरूपेण पूजयामः। तो ये था हमारा धेनु का निबंध। आई होप आपको कुछ लाइनें याद हो गई होंगी, कुछ याद हो गई, कुछ के लिए मेहनत कर लेंगे, इस प्रकार हमारे 10 नंबर सुरक्षित हो जाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।